Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? टॉस करते हैं ना कॉइन, क्यों? क्योंकि वो इक्वल चांसेस देता है दोनों को, क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट है, बोथ विल गेट द सेम चांस, तो इसलिए दैट इज कंसीडर्ड टू बी द फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग. राइट डाउन, टॉसिंग अ कॉइन इज कंसीडर्ड एज अ फेयर वे. टॉसिंग अ कॉइन इज कंसीडर्ड एज अ फेयर वे of deciding, fair way of deciding, because head and tail are equally likely events, because head and tail are equally likely events. And have equal probability, because head and tail are equally likely events and have equal probability. Next is question number 4. 4 options are given. You have to tell me which cannot be the probability of the event. -1.5. Because probability can be in fraction, it can be in decimal, and it should lie between 0 and 1, but it should not be negative. It should not go beyond the limit 0 and 1. So, here -1.5 given, that should not be the probability. Question number 5 is, you have given probability of the event as 0.05. Find probability E naught. E naught find karni hai. You know that sum of E and probability of E naught is 1. You have 0.05. Probability of E naught is 1. Probability of E naught is 1 minus 0.05. That is 0.95. Question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange colored? Zero. Bag mein hai lemon flavor candies. So orange ki probability kya aayegi? Zero. Probability of lemon. क्योंकि श्योर इवेंट है ना, लेमन कैंडीज है, तो लेमन अगर की प्रोबेबिलिटी जो आएगी दैट विल बी 1, बिकॉज इट इज श्योर इवेंट. और ये क्या है, इम्पॉसिबल. इसकी प्रोबेबिलिटी 0 इसलिए आ रही है क्योंकि इम्पॉसिबल है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? 3 students hain, 3 mein se kisi 2 ka birthday jo hai wo same mein aa raha hai, matlab uski probability kya hogi? Aur jab they are sharing different dates, different birthday, to unki probability de rakhi hai, kya hoga? 0.00. सेम इस टाइप का क्वेश्चन है. या तो ये होगा कि दो, जैसे आपकी क्लास में कभी रेयर ऐसा होता है ना, किसी दो का बर्थडे सेम पे आता है, बहुत रेयर होता है ऐसे. ठीक है, तो अगर किसी दो का बर्थडे या तो सेम डेट पे आएगा या नहीं आएगा, यही होगा. तो सेम यही वाला केस है. तो अब आपके पास आपसे पूछ रहा है, दे आर शेयरिंग सेम बर्थडे, ये बताना है आपने. ये दिया हुआ है,
दे आर नॉट शेयरिंग सेम बर्थ डेट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 0.992 गिवन है, ये निकालना है, ठीक है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ई को क्या लेते हैं। ई को हम ले रहे हैं दे आर क्या ले रहे हैं, शेयरिंग सेम बर्थडे इवेंट दैट टू स्टूडेंट्स शेयर सेम बर्थ डेट, ठीक है। तो ई नॉट क्या आ जाएगा, नॉट हैव सेम बर्थ डेट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज वन, ये आपने फाइंड करना है ई, ये आपके पास दे रखा है 0.992, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.992 दैट इज 0.008, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका एक सेम क्वेश्चन एग्जांपल्स किसने किसने रीड किए हैं, सच बोलना, नहीं किए, क्योंकि अगर किए होते तो ये एग्जांपल ही है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6 है, ये रीड कर लो चाहे, पेज नंबर 302 पे गिवन है। देखो सेम इस टाइप का है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा वे डिफरेंट है, लेकिन अगर रीड किया होता तो आपको पता चल जाता। अब देखो पूरे ईयर में 365 डेज है, उसमें से कोई वन डे ऐसा आता है जिसमें कोई 2% जिसको हम जानते हैं वो बर्थडे शेयर करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे होंगे लेकिन हम सबको तो नहीं जानते ना। तो अगर हम किसी को जानते हैं हम तभी कह सकते हैं ना उसका बर्थडे भी आज ही है हमारे साथ, ठीक है। तो आपको क्या क्या यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, दो फ्रेंड्स हैं दोनों सेम बर्थडे शेयर करती हैं, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/365, मतलब पूरे 365 में से एक दिन ऐसा आएगा फेवरेबल जिस दिन दोनों फ्रेंड्स का बर्थडे है, ठीक है। और बाकी अगर ये है जब वो सेम बर्थ डेट शेयर करते हैं, 365 में से वन डे ऐसा कॉमन होगा जब दो फ्रेंड्स का बर्थडे सेम डे है, और अगर डिफरेंट बर्थडेज हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 364/365, एक फ्रेंड का बर्थडे एक दिन है बाकी रिमेनिंग किसी भी दिन दूसरी फ्रेंड का है, तो डिफरेंट हो गया ना बर्थडे, तो बाकी ये वाला एक दिन है जिस दिन सेम बर्थडे है, इस एक दिन को छोड़ दो बाकी दिन कितने बच गए, ठीक है। सपोज आज का दिन है 11 अगस्त, 11 अगस्त को दो फ्रेंड सेम बर्थ डेट शेयर कर रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, 11 अगस्त को छोड़ दो बाकी कितने दिन बच गए, 364, तो ये आगे डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 11 अगस्त को छोड़ के बाकी किसी भी दिन, ऐसे तो सब किसी ना किसी दिन बर्थडे होते ही है, तो ये वो डिफरेंट बर्थडे वाला आ गया। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6 ऑन पेज नंबर 302, रीड कर लो देख लो। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, ये डिफरेंट हो गया ये सेम हो गया, ठीक है, यही दिया हुआ है। और यहां पर ये डिफरेंस है कि यहां डेसिमल में दिया हुआ है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल में ही आंसर आएगा, ये न्यूमिनेटर देख लो छोटा है आपके सामने, इसको भी डिवाइड करोगे तो ऐसे इसका आंसर 0.008 के करीब आएगा, इसका 0.992 के करीब आएगा, ठीक है। तो सेम है वो डेसिमल में वो फ्रैक्शन में, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सहर्ष आप बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सहज इसके बाद आपकी टर्न है, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8, बुक में देख, टोटल बॉल्स कितनी है उसको बोलने दो, कौन कौन से कलर की बॉल्स हैं, 3 रेड और 5 ब्लैक, टोटल बॉल्स कितनी होगी, टोटल आउटकम्स, टोटल बॉल्स का मतलब है टोटल आउटकम्स, दैट इज इट, क्या फाइंड करना है, हाँ जी किसकी, रेड बॉल क्या आएगी, रेड बॉल 3/8। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड का क्या मीनिंग है, रेड नहीं चाहिए, कौन सी चाहिए, ब्लैक, क्या आएगा,
प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जरूर लिख देना, हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन आप लिखोगे, ठीक है? यहाँ लिख लो एक बार, रेड नॉट ग्रीन, बोलो रेड की प्रॉबिलिटी टोटल आउटकम्स, प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला बोलो टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स क्या आएगा? रेड रेड 5/17। कृतिका आप बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट 8/17। केशव नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं चाहिए, इसका मतलब ये दोनों चाहिए 13/17। कटिंग होती है तो जरूर करनी है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसे आंसर भी और कटिंग करके भी है तो कटिंग वाला ऑप्ट करना, ठीक है? इसके मार्क्स नहीं मिलने। गॉट इट? पहले क्या था, 4 पार्ट्स आते थे, सबकी कटिंग कंपलसरी थी, टोटल में हाफ मार्क्स जाता था, लेकिन अब नहीं ऐसा होगा, अब ऑप्शन ही रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है? तो अगर ये वाली ऑप्शन है उसकी कटिंग होती है तो कटिंग वाला आंसर ऑप्ट करना है, नहीं तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, कटिंग वाले के मार्क्स मिलेंगे, वो वाला आंसर देना जिसकी कटिंग होगी। श्रेयांक बोलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक मिनट मुझे लिखने दो डिटेल। फिफ्टी पैसे के 100 हैं, 1 रुपी के 50 हैं, 2 रुपीज के 20 हैं और 5 रुपीज के 10 हैं, ठीक है? 10 5 रुपी कॉइन, तो 5 रुपीज के 10 कॉइन ये लिख दिए। हाँ जी बोलो, ठीक है? अपसाइड डाउन, चलो हाँ जी बोलो। टोटल आउटकम्स जिसके टर्न है उसको बोलने दो। 180 फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे है ना फर्स्ट, 50 पैसे कॉइन, 100 क्या आएगा? 5/9, ठीक है? दीपिका बोलो सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीज 5 कॉइन, अच्छा नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, हाँ जी 5 रुपीज नहीं चाहिए, ये वाले नहीं चाहिए, हाँ जी हम्म, 17/18, और भी है हर्षदीप,
बोलो टोटल आउटकम्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट्स इट. स्टार्ट 12th क्वेश्चन. स्टार्ट 12th क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी. क्वेश्चन नंबर 12. व्हील इज गिवन, स्पिनिंग व्हील. गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 to 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इट विल पॉइंट एट 8? 1/8 इज अकरिंग वन टाइम तो फेवरेबल इवेंट होगी 1 upon total, that is 8. Write down total outcomes 8. Total outcomes. Probability of 8, 1/8. Second is probability of odd number. 1 to 8 mein half even honge, half odd honge. 4/8, that is 1/2. Probability greater than 2 means 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 events are we? 6 upon 8, that is 3/4. Next, less than 9 means sari aagi 8 ki 8 events aagi. So 8 upon 8, that is ये फेवरेबल है, ये टोटल है 1/8. कौन सा 1? ऑड है 1? प्राइम नहीं है. एक मिनट. हाँ ऑड ही होता है क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, और वैसे प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट नहीं है, वो क्लियर ही है, लेकिन ये ऑड में ही आता है. ठीक है, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है ना, इसलिए स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट इवन नंबर 4. और आपको पता ही होगा ये तो, प्राइम नंबर सारे जो होते हैं वो ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर, इवन, बाकी सारे ऑड ही होते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. सक्षम बोलो क्वेश्चन नंबर 13. सैंपल स्पेस क्या आएगा उसको बोलने दो. टोटल आउटकम्स 6. राइट डाउन टोटल आउटकम 6. प्राइम नंबर कौन कौन से है इसमें से? 2. कितनी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/6, दैट इज 1/2. राइट डाउन टोटल आउटकम 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर दैट इज 3/6, दैट इज 1/2. नेक्स्ट पार्ट बोलो उसको बोलने दो. नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, बिटवीन 2 and 6, 3, 4, 5, 3/6, दैट इज अगेन 1/2. नेक्स्ट इज ऑड, हाफ इवन है हाफ ऑड है, कितना आएगा? सेम ही आएगा, ये भी ऑड नंबर.
Sit down. 3 by 6, that is 1 by 2. Imani. Next, bolo. सबसे पहले क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम्स 52, राइट डाउन. टोटल आउटकम्स 52. हाँ, पहले पहले पूरा बताया करो. 2 by 52, 1 by 26. ठीक है, सीधा. टोटल आउटकम्स 2 by 52, दैट इज 1 by. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड. फेस कार्ड 12 होते हैं, किंग, क्वीन और जैक. 12 by 52, दैट इज 3 by 13. 4 से कैंसिल किए. बोलो नेक्स्ट. रेड रेड फेस कार्ड 6 by 52, कटिंग करके. फेस कार्ड 12 होते हैं ना, हाफ रेड हाफ ब्लैक. 6 by 52, दैट इज 3 by 26. अर्पित बोलो नेक्स्ट. ए जैक ऑफ हार्ट. जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में कितने कार्ड होते हैं? 13 होते हैं, उसमें से जैक चाहिए. जैक कितने? 1 by 52. जैक वैसे 4 होते हैं, एक हार्ट में से, एक क्लब, एक डायमंड, एक स्पेड में से. आपको हार्ट में से एक चाहिए, तो हार्ट में तो एक ही है ना, तो 1 by 52. अरियांश नेक्स्ट बोलो. अरियांश और कौन है यहाँ पे? अरियांश. प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड. स्पेड का कलर क्या होता है? ब्लैक. हार्ट का ठीक है. स्पेड 13 by 52, आंसर इज 1 by 4. अब नेक्स्ट जिसका नेम बोलेंगे वही बोलेगा आंसर. क्वीन ऑफ डायमंड. बोलो जानवी, डायमंड कलर कौन सा होता है? रेड होता है. रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल? 26. डायमंड रेड होता है, उसमें से क्वीन चाहिए. क्वीन वैसे कितनी होती है? 4. 2 ब्लैक, 2 रेड. अब डायमंड में से चाहिए, तो डायमंड में तो एक ही है ना, 1 by 52. स्पेड लड़ लो. हार्ट, क्लब, डायमंड, स्पेड, सब में 13 13 कार्ड होते हैं. तो स्पेड बोला ना, स्पेड में टोटल 13 कार्ड है, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं कहा ना, तो स्पेड 13 के 13 कार्ड्स लेंगे. अब स्पेड में से कौन सी बात कर रहे हैं ये नहीं बताया, ठीक है? स्पेड मतलब 13 कार्ड. हाँ सारे. अगर कोई पर्टिकुलर कहते ना, किंग ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ स्पेड, तो फिर एक आता. अभी स्पेड सारे ही हैं, सारे में से पता नहीं ना कौन से, इसलिए 13 लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. 5 cards, the 10, jack, queen, king and ace of diamonds are well shuffled with their face upward, downward. क्या मतलब है इसका? हाँ,
पांच कार्ड की बात कर रहा है, बाकी कोई और कार्ड की बात नहीं कर रहा। ये जो फाइव कार्ड्स है ना, इनको मिक्स करके, इनको जो इनका फेस है उनको नीचे की तरफ करके रख दिया फाइव कार्ड्स को। अब इस फाइव कार्ड में से कार्ड्स निकालने हैं, 52 नहीं है यहाँ पे, टोटल आउटकम्स कितनी है? और जो फाइव आउटकम्स है उसमें भी पर्टिकुलर दिया हुआ है, एक किंग है, एक क्वीन, एक जैक और एक 10 नंबर का कार्ड है और एक एस, ए वाला कार्ड है, वो भी डायमंड का, डायमंड मतलब रेड कलर का, ठीक है। अब आपने ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन। फाइव में क्वीन तो एक ही है ना, तो 1/5, राइट डाउन टोटल आउटकम्स 5, टोटल आउटकम्स 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज इक्वल टू 1/5। अगर इसमें दो क्वीन होती तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती? 2/5, ठीक है। सेकेंड पार्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन जो आपने फर्स्ट केस में निकाली ना उसको बाहर ही रख दिया, अब कितने कार्ड्स रह गए? 4। अच्छा दो चीजें होती हैं, अभी जब आप प्लस वन में अगर मैथ्स लेते हो ना तो वहां पर ये आता है, जैसे यही वाला केस है सेम ऐसी, एक होता है विद रिप्लेसमेंट और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। जो कार्ड निकाला उसका नंबर नोट किया या कलर देखा उसको वापस डाल दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया, तो वो होती है विद रिप्लेसमेंट, मतलब टोटल आउटकम फिर से 5 बन गई। जिसने बाहर रख दिया वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसमें टोटल आउटकम चेंज होके कितनी बन गई? 4। तो अब सेकेंड पार्ट के लिए जो है उसकी टोटल आउटकम 4 है, सेकेंड पार्ट में फिर से लिखो टोटल आउटकम्स 4, सेकेंड पार्ट में दोबारा लिखो टोटल आउटकम्स 4, टोटल आउटकम्स 4। अभी प्रोबेबिलिटी तो अभी देखने लगे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप एन एस? 1/4। टोटल 4 कार्ड्स बचे हैं, 4 में से एस जो है वो एक है, 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या आ गई? 1/4। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन तो है ही नहीं, पहले ही निकाल ली फर्स्ट केस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या होगी? 0, ठीक है। चलो 16th क्वेश्चन करो अपने आप। बोलो दवनीश। हाँ जी क्वेश्चन रीड करो। राइट डाउन, एक्चुअली डिफेक्टिव पेन और जो गुड पेन है उनको मिक्स कर दिया, तो टोटल पेन की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी 144, टोटल आउटकम्स 144, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन का मतलब क्या है? नॉन डिफेक्टिव हो गया ना एक तरह से, ठीक है, तो गुड वन लिख लो या नॉन डिफेक्टिव लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इज इक्वल टू 132/144, कटिंग कर लो 132/144, 11/12 से कटिंग हो रही है डायरेक्ट। सेवनटीन क्वेश्चन करो, जय आदित्य आपकी टर्न है, रीड करो और बताओ क्या करना है। दीक्षा इसके बाद आपकी बारी है, बाकी भी करो, पढ़ो फिर, पढ़ो पढ़ो, ये मास्क लगा लो, आपने तो हैंगर की तरह उसको है। हाँ बोलो, बुक उठाओ पहले, तो हाथ में आवाज ही नहीं आ रही, उठाओ बुक, अब बोलो। हाँ जी अपना मुंह बंद करो, उसकी आवाज ही नहीं आ रही।
20 बल्ब्स हैं उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बतानी है, उसने बता दिया आपको, आपने तो पहले 1/4 बोला था, अब उसने बताया, बताया ना, बताया है, मुझे पता ही है। टोटल 20 बल्ब्स हैं, उनमें से 4 डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव के फेवर में कितने बल्ब्स हो गए, 4 अपॉन टोटल 4/20, दैट इज 1/5। चलो सेकंड पार्ट बताओ, लिख लो तब तक आप, टोटल बल्ब्स 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 4/20, दैट इज 1/5। बोलो, बोलना जा रहे थे, बोलना सेकंड पार्ट, हाँ बोलो, नॉट डिफेक्टिव कितने बल्ब्स हैं, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, सारे एक जैसे ही हैं, 4 डिफेक्टिव है, 4 ही नॉन डिफेक्टिव है, 20 बल्ब्स है जिसमें से 4 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, 16। ठीक है, बोलो आगे, अब फर्स्ट पार्ट में तो आपने पढ़ा नहीं, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉन डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, क्या इसका क्या मतलब है, अब जो सेकंड वाला केस है इसमें टोटल आउटकम्स कितनी आएंगे और ऊपर क्या आएगा फेवरेबल में, 15। एक्चुअली वो ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग बल्ब्स है ना नॉन डिफेक्टिव, जो 16 है, उनमें से एक बल्ब निकाला वो नॉन डिफेक्टिव था, उसको बाहर रख दिया, इज नॉट रिप्लेस, मतलब वापिस नहीं डाला बीच में, तो 15 कितने रह गए, 15 रह गए ना 16 में से, और बाहर रिप्ले जो उसको बाहर बल्ब रखा था उसको वापस नहीं डाला, तो टोटल बल्ब की क्वांटिटी भी रिड्यूस होगी, कितने हो गए 19, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है फिर से सुनो एक बार, टोटल बल्ब से 20 में से बैठ जाओ जाए देते, 4 जो थे वो डिफेक्टिव थे, 16 थे जो थे वो नॉन डिफेक्टिव थे, इसने क्या किया एक बल्ब निकाल लिया, मतलब 15 रह गए, जो बल्ब निकाला है वो नॉन डिफेक्टिव था, मतलब इसमें से ही निकाला था ये पक्का है, अब इसमें से एक बल्ब निकाला उसको देख लिया वो नॉन डिफेक्टिव है, उसको साइड पे रख दिया, इसका मतलब इसमें से भी एक कम हो गया, कहते हैं जो रेस्ट ऑफ द बल्ब है ना इनमें से इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, 15/90, ठीक है, तो फिर 20 सेम रहता 15 होता नहीं, फिर नीचे भी 16 क्योंकि उसको रिप्लेस कर दिया ना, फिर 16/20 आता, मतलब देख भी लिया उसकी प्रोबेबिलिटी नोट कर ली कि वो बल्ब ठीक है, उसके बाद फिर से उसको वापस डाल दिया, तो टोटल भी 16 रहते, मतलब फेवरेबल भी और टोटल भी 20 रहते, 16/20 होता फिर, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 15/19। कल ये एक्सरसाइज ट्राई करेंगे कि हो जाए, इसकी ऑप्शनल भी करनी है।